जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के कृषि बाजार देख लेते हैं, नीमच मंडी के कैसे रहे लहसुन के जो किसान भाई आए उनका इंटरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिटी देख लेते हैं जो 8500 रुपये बिकी है। ऊपर में ऊटी लहसुन 10000 बिका है और सौदा पत्रक पर भी भाव नहीं छपा, वो सौदा पक्का हुआ है, एक दो दिन में माल की डिलीवरी करेंगे व्यापारी को। तो लगभग 10000 तक ऊपर का भाव है, बाकी 8500 रुपये और 8700 रुपये ऊँटी लहसुन अभी तक ऊपर में बिके हैं। 10000 रुपये सौदा पत्रक पे सौदा हो चुका है एक तरह से, मगर माल की डिलीवरी बाकी है। दादा आपका राहुल सेन। राहुल सेन कहाँ से हो? पिपलोन से हैं। दोस्तों नीमच मंडी में आज लहसुन लेकर आए हैं, सौदा पत्रक के माध्यम से इनका लहसुन बिका है। क्या भाव बिका दादा? 8500। कौन सा लहसुन था ये? फर्स्ट टूटी क्वालिटी था और एकदम बड़ा माल तो नहीं था। कैमरे में हम आपको क्वालिटी दिखा देंगे इसके बाद। 8500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिका। कितने बक्से थे दादा? सर 4 बक्से थे। 4 बक्सों का लोट है, 8500 बिका। माल कितना और बचा है? माल ये फर्स्ट टूटी खत्म हो गया बस। अच्छा फर्स्ट टूटी खत्म हो गया, तो दोस्तों ये फर्स्ट टूटी खत्म है। देशी भी है? हाँ देशी है ना। देशी भी लाए? नहीं देशी नहीं लाए। अच्छा देशी नहीं लाए अभी। तो दोस्तों 8500 बिका है माल अभी इनका, क्वालिटी अपन देख लेते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं क्वालिटी, फर्स्ट टूटी वाला माल है, एकदम वाइटनेस तो नहीं है। 8500 जो भैया का माल बिका है उनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। 8500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बक्से में माल है, बॉक्स आप देख सकते हैं, और बॉक्स की क्वालिटी को भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं क्वालिटी जो 8500 रुपये प्रति क्विंटल ऊँची लहसुन फर्स्ट क्वालिटी का बिका है। दोस्तों यह देसी लहसुन की है जो मीडियम क्वालिटी है, 4200 रुपये बिकी, मीडियम से बड़ी है, पूना लड्डू टाइप वाली क्वालिटी है, 4200 रुपये। देशी लहसुन के बाजार की बात करें तो 6700 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अभी हाल फिलहाल में एक डेढ़ लॉट बिका है, अच्छा लॉट बिका है 6700, बाकी 6700 तो एक्स्ट्रा माल बिका है। बाकी देसी लहसुन के बाजार लगभग 3000 रुपये से लगाकर 5500 रुपये और 6000 रुपये तक के बाजार हैं, एकदम एक्स्ट्रा माल 6000 रुपये तक का बाजार है। तो ये देसी लहसुन की रेंज 3000 से 3500 एक्स्ट्रा पूना टाइप लड्डू, मीडियम 3000 से 3500 एक्स्ट्रा पूना टाइप वाला लड्डू, 3500 से 4000 कुछ लोट, 4200 लड्डू टाइप माल 4000 से 5000 के बीच में, और बढ़िया एक्स्ट्रा लड्डू 5000 से 5500 और फुल गोला टाइप वाला लड्डू और एक्स्ट्रा क्वालिटी 5500 से 6000 देसी लहसुन के बाजार हैं। अन्य जिनसों के बाजारों की बात करते हैं, गेहूँ के बाजारों की बात करें 1950 तक हाल फिलहाल तक ऊपर में सौदा पत्रक है, और गेहूँ के बाजार मिल क्वालिटी 1700 से 1710 रुपये तक है। बढ़िया टॉप क्वालिटी का मिल का सौदा भी हुआ है 1725 रुपये में, और बाकी एवरेज बढ़िया बेस्ट क्वालिटी वाले माल है जो मीडियम बेस्ट वाले लगभग 1820 से 1850-60 के बाजार हैं, और बढ़िया माल 1870 रुपये से लगाकर 1950 रुपये तक जैसा माल वैसा दाम बिक रहा है। मक्का के बाजार की बात करें लगभग 1400 रुपये का सौदा हुआ है मक्का में, और जौ के बाजारों की बात करें ऊपर में 1500 रुपये तक का सौदा हुआ है जौ के बाजारों में। तो यह अनाज मंडी का बाजार। कैसा है जो सौदा पत्रक चो रहे हैं, लगभग 5200 रुपये से लगाकर 5400 और 5500 रुपये तक डॉलर चना बिक रहा है, 5200 से 5500 के अभी तक के बाजार हैं हाल फिलहाल तक के। और कलौंजी के बाजार की बात करें तो 14000 रुपये तक ऊपर में बिकी है, बढ़िया माल के बाजार है 13800 से 14200 रुपये प्रति क्विंटल के, और नीचे में 13000 रुपये तक के कलौंजी के बाजार हैं एवरेज क्वालिटी वाले। इसके अलावा बात करें इसबगोल के क्या बाजार हैं, इसबगोल के बाजार ऊपर में 10200 रुपये पर माल बिका है, इसबगोल का बाजार लगभग 9000 रुपये से लगाकर 10200, पैकेट माल जो है वो 10000 से 10200 और कुछ सेमी पैकेट माल टाइप वाले 9600 से 10000 रुपये तक बिक रहा है। तो यह है इसबगोल का बाजार। इसके बाजारों की बात करें प्याज 200 रुपये से लगाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल तक के बाजार हैं, तो प्याज के बाजार कमी है, ज़्यादा नहीं है, प्याज में तो भारी मंदी टाइप का माहौल बना हुआ है क्योंकि मंडियाँ लगातार बंद है। इसके अलावा अन्य बाजार की बात करें रायड़े की, रायड़े के बाजार है 3900 रुपये से लगाकर 4050 रुपये तक बढ़िया मालों के बाजार हैं, बढ़िया माल के माल 3900 रुपये से 3900 से 4050 रुपये तक। मेथी के बाजारों की बात करें कैसे हो रहे हैं सौदा पत्रक पे, 4050 अभी बारीक माल जस्ट सौदा पर्चक पे पर्ची कटी है, तो मेथी जो है बारीक माल बढ़िया माल जो 4000 से 4050 4100 रुपये तक के बाजार है, मतलब कुल मिला के 4000 से 4100 के बाजार है एवरेज वाले के, 3800 से 4000 मेथे माल जो है 4000 से 4200 4300 रुपये से लगाकर 5000 रुपये तक के बाजार है। एक्स्ट्रा माल का कोई भाव नहीं, जैसा माल होगा वैसा दाम पर ऊँचा बिक सकता है। मेथी के बाजारों की भी बात हो गई आज के सौदा पत्रक के अनुसार। और तारामीरा के बाजारों की बात करें तो 3000 से 3200 रुपये तक के तारामीरा के कुल बाजार हैं, इससे ऊपर के नहीं है, सौदा पत्रक पे तारामीरा आया नहीं है, मगर भाव मैं आपको बता देता हूँ। अश्वगंधा के बाजारों की बात करें कैसे हैं बाजार, तो अश्वगंधा के बाजार 27000 रुपये तक ऊपर में सौदे हो चुके हैं, मगर वो माल की डिलीवरी अभी नहीं हुई है। 27000 रुपये कल सौदा हुआ था, जनकपुर का माल है, जनकपुर जो मोरवन के पास में जनकपुर गांव है वहां का सौदा 27000 रुपये में ऊपर तक का हुआ है, 25000 27000 23000 वो तार वाली क्वालिटी वहाँ की बिकी 10000 रुपये। तो ये कल के दो दिन पहले के वहाँ पर जो सौदे हुए हैं और सौदे की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, किसान भाइयों ने अभी माल पहुँचाया नहीं है व्यापारी तक, मगर हमारे
हमने ये खबर ली है कि 27,000 रुपये ऊपर में सौदा हो चुका है जनकपुर का अश्वगंधा का बाजार। तो जो किसान भाई जनकपुर के होंगे अगर वो वीडियो देखते होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, जिनका माल बिका हो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो नीचे में 10,000 रुपये तक का सौदा हुआ है, ऊपर में 27,000 तक अश्वगंधा का हुआ है। तो दोस्तों ये थे लगभग सभी जिंसों के बाजार सौदा पत्रक के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न पसंद आए तो डिसलाइक करें। उसका कारण ये है क्योंकि आपने इतना कीमती समय दिया है, और यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। बने रहे कृषि बाजार के साथ। उम्मीद कर आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और स्वस्थ रहेंगे, और सरकार के नियमों का पालन करते रहें, सामाजिक दूरी व्यक्तिगत दूरी का भी पालन करते रहें, अपने आप को बचाएं, अपने घर को, परिवार को, देश को बचाएं इस महामारी से। तो आज के लिए इतना ही।